और विक्की बनेगा तोता। मिठू, मिठू, ये क्या किया तुमने? मुझे तोता बना दिया? हाँ, मैंने बनाया तुम्हें तोता। अब देखते हैं आगे क्या है होता, क्योंकि मैं हूँ जिया, जो सोचा वो किया। अबे वो तोते, कहाँ जा रहा है तू मेरी बॉडी में घुस के? ये कौन सा नया कांड करेगा? अबे रुक, रुक, इडियट, 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 सर, सर मुझसे क्या गलती हो गई? हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई होगी। सॉरी, 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 सॉरी। ये मुझसे क्यों सॉरी कह रहे? शायद मेरा प्रमोशन हो गया होगा। इट्स ऑल राइट। एक बार मैं फिर से विक्की बन जाऊं, फिर इस जिया का मैं फुल एंड फाइनल करके रहूंगा। जूजू, अब कहाँ हो? तोता? अरे तोता यहाँ क्या कर रहा है? जूजू के केबिन में? हाय, अलीले, मेरे प्यारे पैरेट, मेरे क्यूट पैरेट, मेरे स्वीट पैरेट। नहीं, मैं पायलट हूँ, पायलट। अरे, अरे, तुम्हें पता है मेरे जूजू भी पायलट है? और तुम मेरे जूजू की आवाज की नकल कितने अच्छी तरीके से कर रहे हो? अरे मैं विक्की हूँ, विक्की। विक्की? अरे मेरे जूजू का नाम भी विक्की है। What a coincidence! उनका नाम विक्की है, तुम्हारा नाम भी विक्की है, वो भी पायलट है और वो भी तुम्हारी तरह बहुत क्यूट है। What is this? Sorry, 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 sorry. बस sweetie pie, बस. Sorry. How sweet. पता है मैं तो ये सोच के आई थी कि तुम पे बहुत गुस्सा करूँगी। Sorry. कल रात तुमने मुझे फोन जो नहीं किया। Sorry. लेकिन तुम तो पहले से ही सॉरी बोल रहे हो। Sorry. How sweet, sweetie pie. Sweetie pie. Sweetie pie. Sweetie pie. जीनी, मैं सच मुझ का जूजू हूँ, मतलब विक्की हूँ, विक्की। क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जहाँ हो तुम्हारी बहन, वहाँ सब कुछ करना पड़ता है सहन, जो मैं कर रहा हूँ। जूजू, आप तो सच में पैरेट बन गए हो, कितने क्यूट लग रहे हो। जीजू, इसी बात पे मैं आपके लिए गाना गाऊं। तोता मेरे तोता, मैं तो तेरी हो गई। जीनी बस करो, यहाँ मैं अच्छे खासे इंसान से तोता बना दिया गया हूँ और तुम नाच रही हो? What is this? ओके, रिलैक्स। बताओ किसने तुम्हें तोता बनाया, दीदू ने? नहीं नहीं, उस मासूम को क्यों दोष देती हो? ये तो मैंने जादू सीखा और खुद को तोता बना लिया और तोते को विक्की बना दिया। जूजू, आपने जादू भी सीख लिया? Shut up! Jeannie, what is this? ये सब तुम्हारे दीदू ने किया है, दीदू। ओके, जीनी के होते काय को रोते, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, प्रॉमिस। हाँ, वो तो इतने दिनों से देख ही रहा हूँ कि तुम कितना कुछ सही कर लेती हो। जूजू? क्या जूजू? पहले तो मुझे लगता था कि तुम पावर हाउस हो, लेकिन जब से ये जिया आई है, मैं समझ गया हूँ कि असली पावर हाउस तो वो है। तुम तो सिर्फ एक पेंसिल सेल हो, पेंसिल सेल। पेंसिल सेल? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, वो मेरी बैंड पे बैंड बजाती जा रही है और तुम चुपचाप बैठ के देखती रहती हो। देखो, अभी भी देख ही रही हो मुझे। What is this? That's it. जूजू, अब आप एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोलोगे, अब मैं आपको अपनी पावर दिखाऊंगी। अभी तुरंत दीदू को मैं यहाँ बुलाऊंगी और आपको नॉर्मल करूंगी, रुको। हाँ हाँ, तो जल्दी जाओ ना, क्योंकि इसके अलावा तो तुम कुछ और कर भी नहीं सकती हो। जब देखो तुम मेरे और प्रिया के पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा, तोता बन गए, इसके बावजूद अपनी प्रिया को नहीं भूले। एक काम करती हूँ, आपकी तीखी मिर्ची को एक असली तीखी मिर्ची बना देती हूँ और आप ही के सामने पेश करूंगी, खा लेना। ओके जीनी, बाय। अरे ये क्या करेगी स्वीटी पाई के साथ? स्वीटी पाई, स्वीटी पाई, स्वीटी पाई, स्वीटी पाई, स्वीटी पाई, स्वीटी पाई, हाँ, स्वीटी पाई, स्वीटी पाई, स्वीटी पाई, स्वीटी पाई, स्वीटी पाई, स्वीटी पाई। तुम मुझे स्वीटी पाई बुला रहे हो? How stupid! 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 Stupid!
Stupid. तुम मुझे स्टुपिड कह रहे हो? स्टुपिड मुझे? स्टुपिड देखो, अब एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना, और अगर कुछ बोलना ही है तो तुम सिर्फ एक शब्द कहोगे, एंड दैट इज स्टुपिड. नो, सॉरी 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 सॉरी. अरे वाह, सॉरी. पहले तुम मुझे स्वीटी पाई कह रहे थे, उसके बाद तुमने मुझे स्टुपिड कहा, और अब इतनी बेशर्मी से तुम मुझे सॉरी कह रहे हो. मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसी हरकत करोगे. करोगे 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 करोगे. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग विकी सर. थैंक यू सो वेरी मच सर. मुझे आपको बताना था कि विक्की सर जैसा इस ऑफिस में कोई नहीं है. थैंक यू सर फॉर डेमो सर. वो क्या है ना, विकी सर ने मुझे एक डेमो देने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि एयरलाइंस बिजनेस में अगर आप अपने गेस्ट को एक भी शब्द गलत बोल दो तो क्या होगा, तो गेस्ट भड़क जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे अभी आप भड़क गए थे. उसके बाद एयरलाइंस और गेस्ट के रिलेशन हमेशा के लिए एक मिनट में खराब हो सकते हैं. हाँ, लेकिन ये तो कब से सॉरी सॉरी बोल रहा है. यही तो विक्की सर मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही आप गेस्ट को 100 बार 1000 बार सॉरी बोलो, लेकिन गेस्ट आपको माफ नहीं करेंगे, जैसे आपने इन्हें माफ नहीं किया. ओह, तो ये बात है. वैसे विक्की, तुम्हारा ये डेमो दिखाने का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसे अपने बॉस पे कभी आजमाना नहीं चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा जूजू. चलो 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 चलो. पक्का इसके अंदर के तोते ने कुछ ऐसा कांड किया होगा कि मेरे तोते उड़ गए होंगे. आपके तोते मैंने उड़ने नहीं दिए, क्योंकि मैंने सब संभाल लिया. तुमने वो तो सही कर दिया, लेकिन ये सही कौन करेगा? तुम्हारी दीदू ने तो मुझे एक इडियट बना के रखा है. इडियट 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 इडियट. चुप कर मेरे अंदर बैठे तोते. चुप 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 हो जाओ जूजू. चुप. जब आप ऐसे गुस्से में रहते हो ना, बिल्कुल क्यूट नहीं लगते. क्यूट? अरे पहले इसको म्यूट करवाओ और मुझे सही करवाओ. चुप चुप. दीदू को बुलाती हूँ. चुप चुप. जीनू, मुझे यहाँ ऐसे अचानक क्यों बुलाया? दीदू, इन दोनों को पहले जैसा नॉर्मल करो. तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है या मुझे ऑर्डर दे रही है? दीदू, इन दोनों को पहले जैसा नॉर्मल करो. अच्छा, तोता मैंने इसे बनाया है और रट्टा तू तोते की तरह मार रही है. अगर ऐसे है तो दोनों को तू नॉर्मल कर ले. अरे खुद ही कर पाती तो तुम्हें क्यों बुलाती? इतनी सी बात समझ में नहीं आती? थैंक्स जूजू, मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती. और थैंक्स दीदू, आप ही की वजह से मुझे जूजू से इतना कुछ सुनना पड़ा. अब दोनों को नॉर्मल करो. अच्छा ठीक है. वेरी गुड. अब दोनों एक दूसरे के साथ लड़ो, क्योंकि ना आपको मेरी जरूरत है और ना आपको मेरी जरूरत है. जा रही हूँ मैं, बाय. जीनू, क्या है? तोता क्यों बना था मुझे? इसे बना दो. हाँ, कौन? या कमिंग. दीदू और जूजू को क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती? अगर दीदू ने जादू में पीएचडी की है तो अब मैं डबल पीएचडी करूंगी. कहाँ है दीदू की किताबें? सारी किताबों को घोट के पी जाऊंगी. अब होगी पढ़ाई शुरू.
अब ब्रेक लेती हूँ 2 मिनट। अरे ये जीनी जो आज मुझसे और अपनी दीदू से नाराज होके गई है, पूरे दिन नजर नहीं आई, कहीं वो अभी भी नाराज तो नहीं हमसे? जीनी और नाराज, वो भी अपने जूजू से। हो ही नहीं सकता। आप देखना, अभी जैसे ही मैं दरवाजा खोल के अंदर जाऊंगा ना, जीनी मुझे देखेगी और चिल्लाएगी, जूजू आप आ गए, चलो डिनर करते हैं। हाँ चलो डिनर करते हैं। जीनी, हेलो जीनी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे ये सब क्या है विकी? मुझे क्या पता, मुझे लगता है इसका गुस्सा भी उतरा नहीं। अब जीनू, विक्रम, किचन में खाना तैयार है, आप दोनों चुपचाप जाइए, चुपचाप खाना खा लीजिए और फिर चुपचाप सो जाइए। गुड नाइट, गुड नाइट, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? इतना चुपचाप? अब जीनू की बच्ची, पहले ये बता कि मेरी सारी बुक्स मेरी लाइब्रेरी से बाहर निकाल के तू कर क्या रही है? PhD। क्या? क्या? हाँ, हाँ, क्योंकि मैं आपके और आपके ताने अब नहीं सुनना चाहती। क्या कहा था जीजू आपने मुझे? पेंसिल सेल। मुझ में तो कोई पावर ही नहीं है। अब मैं आपको पावर हाउस बन के दिखाऊंगी, समझे? और दीदू, आप बड़ी शाइनिंग मारती है मेरे सामने कि आपने जादू में PhD किया है, तो अब मैं भी आपको PhD करके दिखाऊंगी, वो भी एक रात में। छुट्टी? अब PhD में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुझे क्या लगता है एक रात में तू सारी बुक्स को रट्टा मारेगी और तू PhD कर लेगी? हिंदी में हाँ और इंग्लिश में यस। छुटकी, कोई फायदा नहीं है, आखिर में वही होगा, क्योंकि फिर से तो कोई ना कोई मुसीबत मोल लेगी और फिर मेरे पास आएगी और बोलेगी, दीदू प्लीज सब कुछ सही कर दो ना। ठीक है, मेरा काम था समझाना, समझना है समझ, नहीं समझना है मत समझ, जो करना है वो कर, ओके? बाय छुटकी। क्या हुआ जूजू? या? आप क्यों इतने चुपचाप खड़े? I'm sure, आपके दिलो दिमाग में भी कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा, बोलिए ना। देखो जीनी, ये हाँ महा की इज्जत छोड़ दो, है ना? क्या है कि एक दिन में कोई भी PhD नहीं कर सकता। जूजू, मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप मुझे प्रोत्साहित नहीं कर सकते हो ना, तो कम से कम हतोत्साहित तो मत करिए। कमाल है, इतनी शुद्ध हिंदी। एक बात बताओ, तुम जादू की किताब पढ़ रही हो या हिंदी की किताब? बाय जूजू, इंग्लिश में गुड नाइट, हिंदी में शुभ रात्रि और उर्दू में शबक है। कितने बजे? 10 बज गए और मैं अभी तक सो ही रही थी। जूजू और दीदी तो अभी तक ऑफिस भी पहुंच गए होंगे। ए, तुम सब फॉर्मूलास को इतनी पढ़ाई करने के बाद मेरे दिमाग में होना चाहिए। बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर। अब लग रहा है कि मुझे सब कुछ आ गया, एक ही रात में जादू की दुनिया की रॉकस्टार बन गई हूँ मैं। अब चुटकी बजा के दीदू के किसी भी जादू को मैं बेअसर कर सकती हूँ। तो देर किस बात की जीनिया? आ देखे जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे दीदू। Thank you.
कैसी लग रही हूँ? जैसी हमेशा लगती है। जी नहीं, आपके सामने एक 100% न्यू इम्प्रूव्ड और मोर पावरफुल जीनी खड़ी है जो जो चाहे वो कर सकती है। अच्छा, इसलिए ऐसे आई ऑफिस इन कपड़ों में? उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कपड़े तो मैं यूं बदल लूंगी। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि मैं आपके किसी भी जादू को बेअसर कर सकती हूँ। उफ़ जीनू, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं राहुल के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। दीदू मुझे इतना हल्के में मत लो, मैं भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि हर चुटकी अपनी बड़की का मुकाबला एक ना एक दिन कर सकती है। जीनू, चुटकी अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो चैलेंज, कोई भी जादू करिए, मैं उसे बेअसर करके दिखाऊंगी। जीनू इतना मत उड़ कि बाद में पछताना पड़े। अच्छा, क्यों नहीं उड़ू? ऑफ कोर्स उड़ूंगी दीदू, अगर आपने जादू में पीएचडी की है तो मैंने भी कल पूरी रात बैठ के बहुत पढ़ाई की है, इसीलिए मैं उतने में ही उड़ूंगी। ठीक है, तो फिर हो जाए? हो जाए। ठीक है, तो फिर उड़ने के लिए हो जाए तैयार। क्या क्या दीदू? कुछ नहीं, तुझे पर दिए, अब तू जी भर के उड़। तुझे तो मेरा जादू बेअसर करना आता है ना, अगर तुझे पर नहीं चाहिए तो इन्हें हटा दे। हाँ, वो तो है। तो आप चौकने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। रेडी? रेडी, ओके। वन टू